नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। प्रधान डाकघर में सुकन्या योजना का बकाया किश्त जमा करने गए नीलम सिंह से मदद के नाम पर जालसाज 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पिता डाकघर से रिटायर्ड थे, इस वजह से नीलम को लगा कि वो पिता का परिचित है और मदद कर रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच कर रही है। आरोपी पर केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि तारामंडल के गौतम बिहार कॉलोनी निवासी नीलम सिंह के पति धीरेन्द्र सिंह देवरिया के रुद्रपुर में ईंट भट्टा चलाते हैं। नीलम के पिता वर्ष 2005 में मुख्य डाकघर से डिप्टी पोस्टमास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नीलम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वो दिन में 12:30 बजे गोलघर मुख्य डाकघर में 9 महीने से बाकी सुकन्या का किश्त जमा करने गई थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, मुंह पर मफलर बांधे एक युवक उनके पास पहुंचा, बोला कि फॉर्म ले ली है, लाओ भर कर जमा कर दे रहे हैं, तब तक बाहर से फोटोकॉपी करा कर लाएं। परिचित समझकर युवक को फॉर्म और किश्त के रूप में देकर फोटोकॉपी कराने चली गई। वापस लौटने पर युवक अंदर से गायब था। महिला ने बताया कि इसके पहले जब वो डाकघर आई थी तो फॉर्म भरने संबंधित अन्य बातें हुई थी। युवक जब पास आया तो उसने वही सवाल पूछे जिसकी बात उन्होंने की थी। उधर घटना के बाद पुलिस ने डाकघर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जांचा तो 12:34 बजे आरोपी युवक रुपए वाला झोला लेकर बाहर जाते हुए दिख रहा है।